हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे, क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है गैसोलीन, देन गैसोलीन के बाद डीजल, देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, देन फ्यूल ऑयल और कैरोसिन, और इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट हम पेट्रोलियम के ही, क्रूड ऑयल के ही एक और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट्स नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट्स नेम सजेस्ट कि इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम। इट मीन्स पेट्रोलियम की कुछ गैस, ओके, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की कुछ गैस होती है, उस गैस का लिक्विफाइड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। सो ये पेट्रोलियम गैस बनी कैसे है दिस एलपीजी? इट्स फॉर्म बाय लिक्विफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को जब आप लिक्विफाई करोगे, उसका लिक्विफिकेशन करेंगे, तब आपको एलपीजी ऑब्टेन होगी। नाउ व्हाट इज लिक्विफिकेशन? लिक्विफिकेशन मतलब, जैसा कि ये कहा, इट्स अ गैस। इस गैस को लिक्विफाई करा तो हमने क्या करा, एक सिलेंडर में इस गैस को भरा और उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। अगर मुझे किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेदर इट इज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो उसको आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में रखना पड़ेगा, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो हाई प्रेशर अप्लाई करने से वो गैस कन्वर्ट हो जाएगा एक लिक्विड फॉर्म में। एंड बिकॉज दिस पेट्रोलियम गैस हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत ही थोड़े से टेम्परेचर पे ये बॉइल हो जाता है। बॉइल होना मतलब ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब हम इसके इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से ये लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई होने के बाद अगर आप प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये फॉरेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी सडन प्रोसेस। इसीलिए क्या किया जाता है, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। नाउ ये एलपीजी बनाई किसने दी? सबसे पहले एलपीजी डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग ने इन 1910 में सबसे पहले इस गैस को फॉर्म किया था, इस गैस को बनाया गया था और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा गया। तो डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग ने प्रॉपर्टीज को जब पढ़ा तो ही सेड कि दिस गैस इज हेवियर देन एयर। ये गैस एयर से हैवी होती है। दिस गैस इज हेवियर देन एयर। देन अब बिकॉज इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये एज अ फ्यूल यूज होती है, ये हमारी एनर्जी डिमांड को, एनर्जी नीड को फुलफिल करती है। तो एनर्जी नीड को फुलफिल करना मतलब क्या? एनर्जी नीड को फुलफिल करना मतलब इसकी मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सम यूजफुल फॉर्म, किसी ना किसी यूजफुल फॉर्म में हम एनर्जी बना सकते हैं। तो उसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि इट्स एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट और इट्स अ फ्यूल। तो दिस एलपीजी इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। इट्स अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। फ्लेमेबल मतलब जो कि चीज जल सकती है, ओके, जिसमें अगर मैं आग लगाऊं तो इट कैन बर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी में आग लगाओगे तो पानी कैन नॉट बर्न, ठीक है, वाटर बर्न नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें आप आग लगाओगे इट विल स्टार्ट बर्निंग। दैट्स वाई इट्स नोन एज फ्लेमेबल, इट कैन प्रोड्यूस फ्लेम। आपने देखा होगा जैसा पेट्रोल के जो टैंकर होते हैं, पेट्रोल के टैंकर पे लिखा रहता है हाईली फ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। सो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल वर्ड आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम होता है। फ्लेमेबल का मतलब होता है जलना
तो ऐसा नहीं कि इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कि जो चीज नहीं जले, ओके? इनफ्लेमेबल वर्ड इज ऑल्सो स्टैंड फॉर फ्लेमेबल, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ओके? सो आइदर यू कैन से इट्स अ फ्लेमेबल सब्सटेंस और इट्स अ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इट इज वन एंड द सेम थिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से आप उसे उस तरह से यूज कर सकते हैं. नाउ दिस गैस, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये गैस आपको पेट्रोलियम से मिली है, नाउ वट इज पेट्रोलियम, वट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल इज बेसिकली अ कार्बन कंपाउंड, इट्स अ कार्बन प्रोडक्ट, ओके? आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि कार्बन की मदद से हम किस तरह से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कार्बन से बनते हैं. हर बार अगर एक नया कार्बन ऐड करते जाए तो नए नए प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं. उसी तरह से दिस एलपीजी इज फॉर्म फ्रॉम द पेट्रोलियम गैस और फ्रॉम क्रूड ऑयल, दैट्स वाई इट्स अ हाइड्रोकार्बन. इट्स अ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कार्बन एलिमेंट, सो इट्स अ हाइड्रोकार्बन. एंड अगर हम इसके मिक्सचर की बात करें, सो इट कंटेन्स प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन एंड इथेन. ये चारों हाइड्रोकार्बन से मिलके ये एलपीजी गैस फॉर्म होती है. एंड एलपीजी गैस इज अ फ्लेमेबल गैस. नाउ अगर हम इसके यूजेस की बात करें, सो यूजेस, सो द वेरी कॉमन यूज जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी कॉमन यूज इज एज अ कुकिंग गैस. देन सेकेंड यूज इज एज अ व्हीकल फ्यूल, ओके? इट्स यूज एज अ कुकिंग गैस एंड एज अ व्हीकल फ्यूल, देन एज अ फ्यूल to produce electricity. कुछ इन खास पर्पस के लिए ये गैस काम आती है. देन इसका नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, बहुत ही नेचर फ्रेंडली यूज इज इट्स यूज एज अ एरोसॉल प्रोपेलेंट. इट्स यूज एन एज एन एरोसॉल प्रोपेलेंट. तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये कुकिंग गैस की तरह कैसे यूज होती है. हम ये जानते हैं कि दिस गैस इज अ फ्लेमेबल गैस, मतलब इसमें अगर मैं आग लगाऊंगा तो इट विल स्टार्ट बर्निंग. इसको अगर मैं फ्लेम के पास लेके जाऊंगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग. तो ये जो बर्न है, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो फायर प्रोड्यूस हो रही है इसे बर्न करने से, वो मैं कुकिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, हमारे खाना पकाने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं. तो किस तरह से यूज करेंगे आप इस कुकिंग गैस की तरह यूज करने के लिए? आइदर यूज इन सिलेंडर और यू कैन यूज पाइपलाइन. घर में हमारे सिलेंडर आता है, एक बड़ा सारा रेड कलर का सिलेंडर जो होता है, दैट इज द सिलेंडर ऑफ एलपीजी गैस. उसके अंदर एलपीजी गैस होती है, एलपीजी होती है, और वो गैस हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा कहीं कहीं पे सिलेंडर मिलता है, कहीं कहीं पे आपको गैस की पाइपलाइन मिलती है. कुछ घरों में गैस की पाइपलाइन कनेक्टेड होती है, हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें से डायरेक्टली एलपीजी को हम यूज कर सकते हैं. नाउ बेसिकली ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस होती कैसी है? इन दिस सिलेंडर ये कुछ इस तरह का सिलेंडर होता है. इस सिलेंडर में आप क्या करते हैं, इस सिलेंडर में बेसिकली ऊपर से एक नोजल कनेक्टेड रहता है. बाय दिस नोजल, इस नोजल की मदद से आप इसमें पेट्रोलियम की गैस को भरते हो.
नाउ बिकॉज दिस इज अ गैस, तो आप गैस को इसमें डायरेक्टली कनेक्ट करते हो और इसमें भरते हो, देन इसमें बहुत ज्यादा गैस भर के आप उसे हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हो। जब इसे हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो ये गैस जो यहां पे भरी हुई थी, दैट गैस गेट कन्वर्ट्स टू लिक्विड फॉर्म, वो गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने इसे हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया तो इसीलिए ये गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मींस जैसे ही ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये पूरा सिलेंडर फिल हो चुका है, पूरा सिलेंडर में गैस तो भरी है, तो यहां तक लिक्विड है और इसके ऊपर गैस है। ओके, तो ये जो सिलेंडर है ये हमारे घर पे आता है। इस सिलेंडर को जब हम कनेक्ट करते हैं, यहां पे हम एक वाल्व लगा देते हैं ऐसा, इसको क्लोज करने के लिए, ऐसा एक वाल्व कनेक्टेड रहता है। जब आप गैस को, जब आप अपने कुकिंग स्टोव को इससे कनेक्ट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप इससे कनेक्शन करते हैं, इसमें से गैस निकलना शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने अभी देखा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, हल्के से टेम्परेचर पे ही ये फटाफट से बॉइल हो जाती है और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैंने प्रेशराइज करके इसे सिलेंडर में भर के रख दिया, नाउ जैसे ही मैं प्रेशर रिलीज करूंगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं वापस से प्रेशर लगाऊंगा, ये गैस वापस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इस गैस के सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप एक पाइप कनेक्ट करते हैं, एक छोटी सी ट्यूब कनेक्ट करते हैं, तो उस ट्यूब के कनेक्ट होने से क्या होता है, ये वाल्व हटा के आपने ट्यूब कनेक्ट किया तो प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, दिस लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड टू गैस, और उस वजह से क्या होगा, यहां से गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही आपने इसे क्लोज कर दिया तो लिक्विड विल रिमेन इनसाइड द सिलेंडर, वो मेंटेन रहेगा। फिर जैसे ही आपने वाल्व हटाया, वैसे ही वापस से वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ और बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा ये जो सिलेंडर होता है, इट्स अराउंड 14.2 kg, ऐसा लिखा रहता है इस सिलेंडर पे, इट्स 14.2 kg फॉर डोमेस्टिक यूज, और जो कमर्शियल यूज के लिए आता है वो थोड़ा बड़ा आता है, वो ब्लू कलर का आता है और वो कुछ अलग वेट का होता है, मे बी सम 20 kg। ओके, सो दिस स्मॉल सिलेंडर हैज दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म, जो आप कुकिंग गैस यूज करेंगे उसमें इस तरह का मैकेनिज्म होता है। एंड व्हाट अबाउट पाइपलाइन जिन घरों में कनेक्टेड रहती है, तो एक जगह कहीं पे बहुत बड़ा टैंकर लगा रहता है, उस टैंकर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को भर के रखा जाता है बाय यूज ऑफ कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। फिर जैसे ही आप अपने घर में वाल्व लगे हुए को खोलते हैं, तो उस वाल्व को खोलने से यू विल फाइंड कि प्रेशर उस टैंक में डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, ये लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के फॉर्म में, एंड यू कैन गेट द गैस, वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रेवल करती हुई आपके घर तक आ सकती है। तो बाय दिस मैकेनिज्म ये LPG एज अ कुकिंग गैस यूज होती है। आपने देखा होगा स्टोव में जब हम इसे जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है, और सबसे बड़ी बात, जब आप इसे जलाते हैं तो यू विल फाइंड कि कोई खास पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सो अगर ये गैस पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, सो वी कैन से दिस इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। यह गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होती है, इट्स अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सबसे बड़ी बात, ये क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, साथ में इट हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है, विच इज 46.1 kJ/g। इट मीन्स अगर आप 1 gram LPG को बर्न करेंगे, सो यू विल गेट 46.1 kJ ऑफ एनर्जी। ओके, सो बाय दिस मैकेनिज्म हम इसे एज अ कुकिंग गैस यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एज अ व्हीकल फ्यूल, अगेन द सेम प्रोसेस, इसे आप सिलेंडर में भर के रखते हैं, आपने देखा होगा LPG
से चलने वाले व्हीकल्स में पीछे एक बहुत बड़ा टैंक होता है, उस टैंक में ये एलपीजी इसी तरह से प्रेशराइज करके भर के रखी जाती है। और फिर जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं गाड़ी का, वैसे ही एक वाल्व ओपन होता है और इस टैंकर का प्रेशर, इस सिलेंडर का प्रेशर रिड्यूस होता है। प्रेशर रिड्यूस होने से अगेन ये लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के फॉर्म में और ट्यूब के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाता है, और फिर इंजन में बर्निंग होती है, उससे पिस्टन मूव करता है एंड आपकी गाड़ी चलती है। देन एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपने इसको बर्न किया, बर्न करने से क्या हुआ, पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने से क्या हुआ, स्टीम प्रोड्यूस हुई, और स्टीम के प्रोडक्शन से आपने टर्बाइन को घुमाया, और टर्बाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। तो उसी तरह से एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इसे हम यूज कर सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एज एन एरोसॉल प्रोपेलेंट। वॉट इज बेसिकली एरोसॉल? एरोसॉल इज बेसिकली अ क्लाउड ऑफ लिक्विड। आपने देखा होगा जो स्प्रे होते हैं, वेदर इट इज डिओडेंट स्प्रे और सम फोम स्प्रे, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो एक मिस्ट, एक क्लाउड सा फॉर्म होता है, एक लिक्विड के पार्टिकल्स का क्लाउड फॉर्म होता है जब आप किसी चीज को स्प्रे करते हैं। तो वो जो क्लाउड होता है, दैट क्लाउड इज बेसिकली एरोसॉल। ओके, उसे हम एरोसॉल बोलते हैं और उस स्प्रे को हम एरोसॉल स्प्रे बोलते हैं। एरोसॉल स्प्रे क्या हो सकता है, आपके डिओड्रेंट्स हो सकते हैं, आपके फोम स्प्रे जो होते हैं जो पार्टी में जनरली यूज करते हैं जिससे फोम प्रोड्यूस होता है, या फिर जो पेंटिंग के लिए जो स्प्रे यूज होते हैं, आपको दीवार पे पेंटिंग करनी है तो दीवार पे पेंटिंग के लिए कुछ स्प्रेज यूज होते हैं, कलरफुल स्प्रेज, दे ऑल आर एरोसॉल। सो उसमें किस तरह का मैकेनिज्म होता है, उसमें एक इस तरह का कैन होता है। इस कैन में एक इस तरह से ट्यूब डली हुई होती है, और यहां पे ऊपर एक इस तरह से वाल्व कनेक्टेड होता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एंड जैसे ही आप इस वाल्व को प्रेस करते हैं, यू विल फाइंड कि यहां से आपको ऐसा मिक्सचर बाहर आता हुआ दिखता है, कुछ इस तरह से ये स्प्रे निकलता है यहां से, इस तरह से आपने इसको प्रेस किया और स्प्रे बाहर आया। नाउ बेसिकली क्या आपने सोचा है कि ये स्प्रे बाहर कैसे आता है, आपने सिर्फ प्रेस किया और स्प्रे बाहर आ गया, ऐसा कैसे हुआ? आपका तो स्प्रे किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और वो यहां तक भरा हुआ है, दिस इज योर डिओड्रेंट, दिस इज द बेसिकली लिक्विड डिओड्रेंट, और लिक्विड यहां पे भरा है, जैसे ही मैंने प्रेस किया ये लिक्विड बाहर आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल कि ये लिक्विड बाहर आ रहा है? तो हमने क्या करा, अगर आप देखेंगे तो ये लिक्विड जब यहां से बाहर आता है तो इट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बाहर आता है। कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कैन में आपने यहां पे डिओड्रेंट भर दिया, और इस डिओड्रेंट के ऊपर यहां पे ये जो पोर्शन बचा, यहां पे हम एलपीजी गैस भर देते हैं, एलपीजी गैस। ओके, एलपीजी अगेन इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आप इसमें एलपीजी को फिल कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने से सडनली यहां से ये लिक्विड ऊपर चढ़ने लगेगा। व्हाई? बिकॉज जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा इस कैन के अंदर, ये बहुत ही हाई प्रेशर पे बंद किया जाता है, जैसे ही ये लिक्विड डिओड्रेंट भरा, इसके ऊपर एलपीजी भरा और हाई प्रेशर पे इसे बंद कर देते हैं। ओके, देन जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे, इस वाल्व को प्रेस करेंगे, तो यहां पे जो एलपीजी भरा हुआ है, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, यह एलपीजी कन्वर्ट होने लगेगा गैशियस फॉर्म में, और जैसे ही एलपीजी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वैसे ही इस कैन के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये एलपीजी गैस इस लिक्विड को प्रेस करेगी नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पर प्रेशर बढ़ेगा। आपने देखा कि एलपीजी एक्सपांड हुई, कोई चीज एक्सपांड होती है तो आसपास का प्रेशर बढ़ता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे ही ये प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही ये लिक्विड को प्रेस करेगा,
लिक्विड को प्रेस करेगा तो लिक्विड धीरे धीरे इस ट्यूब के अंदर चढ़ने लगेगा और चढ़ के यहां से एज अ स्प्रे बाहर निकलेगा. ओके सो दिस इज प्रोसेस लाइक दिस. ये ऐसा ऊपर चढ़ेगा, देन यहां से ऐसा, देन ऐसा, एंड देन दिस, एंड इट विल कम आउट लाइक दिस. तो कुछ इस तरह से एलपीजी की वजह से, एलपीजी के गैस में कन्वर्ट होने की वजह से, लिक्विफिकेशन फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से ये डिओड्रेंट ऊपर की तरफ मूव करता है. और डिओड्रेंट हो सकता है या कोई व्हाट वी कैन से पेस्टिसाइड हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. ऑल दीज आर एरोसॉल स्प्रेस और ये धीरे धीरे ऊपर आके यहाँ से बाहर निकलेगा. अगेन ये ऐसा क्यों किया, बिकॉज जो मैकेनिज्म हमने कुकिंग गैस में देखा था वही का वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है. हम यूज कर रहे हैं एलपीजी के लिक्विफिकेशन फॉर्म की, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा कि बहुत कम होता है. तो कम बॉइलिंग पॉइंट है तो फटाफट से वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में. तो अगर आप स्प्रे को ठंड में यूज करो या आप स्प्रे को गर्मी में यूज करो, इट डजेंट मैटर, आपको स्प्रे बिल्कुल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, बिकॉज बहुत ही कम टेम्परेचर पे एलपीजी जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सो इन दिस वे दिस एलपीजी इज यूज्ड एज एन एरोसॉल स्प्रे. नाउ एज वी हैव सीन कि एलपीजी क्या है, क्लीन फ्यूल है, ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है, साफ फ्यूल है, इससे कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, इससे कोई रेसिड्यू नहीं बचता, इसीलिए हम एलपीजी को यूज करना पसंद करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कि ये जो एलपीजी हमने एज एन एरोसॉल प्रोपेलेंट यूज किया, प्रोपेलेंट वर्ड का मतलब क्या, प्रोपेलेंट मतलब जो चीज किसी चीज को स्टिमुलेट करे, किसी चीज को फोर्स करे, किसी चीज को बढ़ावा दे, जैसे कि ये डिओड्रेंट है. तो अगर आप सिर्फ एलपीजी ना भर के इसको प्रेस करेंगे, अगर एलपीजी नहीं है तो क्या ये डिओड्रेंट ऊपर चढ़ेगा, हम कहेंगे नो. तो ये डिओड्रेंट को ऊपर चढ़ने के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है, फोर्स कौन कर रहा है, वी विल से एलपीजी. और एलपीजी अगर इसको फोर्स कर रहा है, दैट मींस एलपीजी को हम कहेंगे स्टिम्युलेटर या फिर प्रोपेलेंट. ओके आपने देखा होगा प्रोपेलेंट होते हैं, प्रोपेलेंट मतलब जो रॉकेट होता है, रॉकेट में नीचे फ्यूल लगाया जाता है ताकि रॉकेट अर्थ के ऊपर, अर्थ को क्रॉस कर जाए, जो स्पेसशिप होता है, तो वो क्रॉस करने के लिए उसको फोर्स कौन कर रहा है, वो नीचे का फ्यूल, वो लिक्विड. ओके वो फ्यूल की वजह से वो अर्थ को क्रॉस कर पा रहा है. सो इट्स अ प्रोपेलेंट. वो फ्यूल क्या है, वो एक प्रोपेलेंट है. आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल क्या है, इट्स अ प्रोपेलेंट, वो आपकी गाड़ी को चला रहा है. सो इन दैट वे वी विल से कि एलपीजी इज यूज्ड एज एन एरोसॉल प्रोपेलेंट. बट प्रीवियसली एलपीजी यूज नहीं होता था, प्रीवियसली सीएफसी वॉज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट. सीएफसी स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सीएफसी इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. प्रीवियसली इसे हम यूज करते थे एज अ एरोसॉल प्रोपेलेंट, बट बिकॉज साइंटिस्ट ने 1980s में रिसर्च किया, बहुत रिसर्च चली, और 1980s में ये पाया गया कि सीएफसी इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के लिए बहुत हार्मफुल चीज होती है. तो अगर सीएफसी हम यूज करेंगे डिओड्रेंट में, आप ये जानते हैं कि स्प्रेस तो बहुत सारे बनते हैं, डिओड्रेंट का स्प्रे होता है, फोम का स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है, कलर का स्प्रे होता है, बहुत सारे स्प्रे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. अगर इन सभी स्प्रेज में आप सोचिए कि अगर हम सीएफसी यूज करेंगे, एंड सीएफसी क्या करता है, सीएफसी ओजोन लेयर में छेद करता है. ओजोन लेयर में अगर सीएफसी होल क्रिएट करेगा, सो वॉट डज इट मीन, आप ये जानते हैं ओजोन लेयर बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है. सन से आने वाली जो सनलाइट है उसमें अल्ट्रावायलेट रेस भी होती हैं. अल्ट्रावायलेट रेस को कौन रोकता है, ओजोन लेयर. अगर उस ओजोन लेयर में छेद होगा, सो छेद होने से अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ तक पहुंचने लगेंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैंसर जैसी डिजीज, कैंसर जैसी डेंजरस डिजीज होने का डर बना रहेगा. सो दैट्स वाई 1980s में सीएफसी वॉज बैंड. 1980 में सीएफसी को बैन कर दिया गया, और फिर कुछ रिसर्च के बाद ये पाया गया कि सीएफसी की जगह हम प्रोपेलेंट में एलपीजी को भी यूज कर सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को भी हम यूज कर सकते हैं. देन 70 कंट्रीज ने
साइन अ प्रोटोकॉल. 70 कंट्रीज ने क्या करा, 70 कंट्रीज ने मिलके एक प्रोटोकॉल साइन किया. 70 कंट्रीज में इंडिया, रशिया, यूएसए, जापान, चाइना एंड फ्रांस, देन ब्राजील, इंडोनेशिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इकोनॉमिकली पावरफुल हैं. उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन किया, उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम सीएफसी का उपयोग नहीं करेंगे. वी विल नॉट यूज सीएफसी एज अ प्रोपेलेंट, रादर देन वी विल यूज एलपीजी गैस. हम एलपीजी का उपयोग करेंगे एज अ प्रोपेलेंट. और एक प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसे हमने नाम दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल इज बेसिकली अ प्लेस, अ सिटी इन कैनेडा. कैनेडा में एक सिटी का नाम है मॉन्ट्रियल, और वहां पे मीटिंग हुई 70 कंट्रीज ने अराउंड 1980s के आसपास, और उन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन किया कि हम सीएफसी का उपयोग आने वाले 5 साल में बंद कर देंगे. देखिए, कोई भी चीज एकदम से बंद नहीं हो सकती. जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जो मशीनरी लगी हुई है जहां पे सीएफसी यूज हो रहा है, बिकॉज स्प्रे तो क्या है, स्प्रे डेली बनते हैं फैक्ट्रीज में, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ नंबर ऑफ स्प्रे डेली प्रोड्यूस होते हैं. तो एकदम से अगर हम किसी चीज को बंद करेंगे, सो इट विल बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी. दैट्स व्हाई इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि आने वाले 5 साल में हम सीएफसी का उपयोग बंद कर देंगे, बट टिल 5 ईयर्स वी नीड टू यूज सीएफसी, बिकॉज उस एलपीजी को यूज करने के लिए उन्हें मशीनरी लगेगी, उन्हें ऑटोमेशन की जरूरत लगेगी, उन्हें टेक्नोलॉजी लगेगी. तो इन सभी चीजों की मदद से ही वो एलपीजी को यूज कर पाएंगे. सो फॉर दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को करने में एटलीस्ट 5 साल का समय उन्होंने मांगा. एंड फाइनली अब सिचुएशन ये है कि एलपीजी ही पूरी तरह से यूज होता है, सीएफसी का यूज बिल्कुल ही बैन हो चुका है. सो इन दिस वे एलपीजी का यूज धीरे धीरे बढ़ गया, और इस वक्त अराउंड 3% ऑफ ऑल एनर्जी डिमांड is fulfilled by LPG. और इस वक्त यह सिचुएशन है कि वर्ल्ड में जो भी एनर्जी डिमांड है उसका 3% कंट्रीब्यूशन कौन देता है, 3% एनर्जी कौन फुलफिल करता है, LPG. और इंडिया में अगर हम बात करें, सो इंडिया में अराउंड 28.5% ऑफ पॉपुलेशन use LPG for cooking. इंडिया में आप जानते हैं इट्स मोर देन 122 करोड़, द पॉपुलेशन इज मोर देन 122 करोड़. उस पॉपुलेशन का सिर्फ 28.5% ही पार्ट LPG को एज अ कुकिंग फ्यूल यूज करता है. बट फिर भी आप जानते हैं कि इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज है. डे टू डे सिलेंडर्स जो होते हैं, गैस के सिलेंडर हैं, वो महंगे होते जा रहे हैं. गवर्नमेंट इन पे सब्सिडी देती है. सब्सिडी मींस अगर प्रोडक्शन के लिए सिलेंडर बनने में, जब आप ये सिलेंडर आप घर पे परचेज करते हैं, सो यू विल गेट इन अराउंड 600 रुपीज, 600 रुपये के आसपास आप इसे परचेज कर सकते हैं. बट इसके प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है अराउंड 1000 रुपीज. सो 1000 रुपीज की कॉस्ट एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड, एक मिडिल क्लास पर्सन बियर नहीं कर सकता कि डे टू डे हर बार वो 1000 रुपीज का गैस का सिलेंडर ले. इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, 400 रुपीज खुद से देती है. जिस कंपनी ने ये गैस को फॉर्म किया उसे 400 रुपीज ये खुद से देती है गवर्नमेंट, और बाकी 600 रुपीज कंज्यूमर से लेती है. सो दिस इज नोन एज सब्सिडी. इस तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करके कुकिंग गैस के फॉर्म में हम इस एलपीजी को यूज करते हैं. अगर इस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तब क्या होगा, तब कोल का यूसेज बढ़ेगा, केरोसिन का यूसेज बढ़ेगा. और कोल और केरोसिन क्या करते हैं, कोल और केरोसिन से पोल्यूशन क्रिएट होता है, काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है. दैट्स व्हाई हम ये चाहते हैं, हम इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं कि एलपीजी का यूज धीरे धीरे बढ़े. लेकिन क्या आपको लगता है इस वक्त जिस तरह से सिचुएशन चल रही है कि एलपीजी की ऑलरेडी शॉर्टेज है, जबकि सिर्फ
28.5% पॉपुलेशन ही यूज कर रही है। आप सोचिए कितना शॉकिंग चीज है कि पूरे इंडिया में सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन एलपीजी का यूज करती है, बाकी सभी लोग कोल और फ्यूल कोल और केरोसिन पे ही अपना खाना बनाते हैं। सो अगर पूरी तरह से हम एलपीजी पे आ जाएं, अगर आप कुकिंग के लिए कोल का यूज बंद कर दें, अगर हम केरोसिन का यूज बंद कर दें, तो सोचिए कितना ज्यादा पॉल्यूशन में रिडक्शन हो सकता है, पॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके सो इसीलिए एलपीजी के यूज को मोटिवेट किया जाता है, इसे सपोर्ट किया जाता है। देन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंडिया में अराउंड 1.9 केजी पर मंथ पर पर्सन एलपीजी का कंजम्पशन होता है। इंडिया में अगर हम सिंगल पर्सन की, एक पर्सन की कंजम्पशन निकालें, तो अराउंड एक पर्सन जो है वो 1.9 केजी ऑफ एलपीजी पर मंथ यूज करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेंडर 14.2 केजी का है, तो हम कह सकते हैं कि इस 14.2 केजी के सिलेंडर से 7 पर्सन का खाना, 7 लोगों का 7 लोगों का खाना एक महीने तक आप बना सकते हो। अगर यहीं पे 14 पर्सन हो जाएंगे, तो 14 पर्सन के लिए क्या होगा, सिर्फ 15 डेज में ही सिलेंडर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये पर कैपिटा, इसे बोलते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन। तो इंडिया में 1.9 केजी पर मंथ पर पर्सन यूज करते हैं, एंड डेवलप कंट्रीज में ये कंजम्पशन ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज वहां पे कोल और केरोसिन का उपयोग कम होता है, तो वहां पे अराउंड 4 to 5 केजी पर मंथ एक पर्सन यूज कर लेता है। बट इंडिया में बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, इसीलिए ये चीज होती है। और इंडिया में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफाइनरीज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिफाइनरीज है, दैट इज विद IOCL। IOCL स्टैंड्स फॉर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एलपीजी गैस सप्लाई करती है, उसे रिफाइन करती है, रिफाइन करके सप्लाई करती है। ऑब्वियसली बात है, हम क्रूड ऑयल से डायरेक्टली जो पेट्रोलियम गैस है उसे यूज नहीं कर सकते, उसे क्लीन करना जरूरी है, और क्लीन करने के बाद उसमें से पॉइजनस सब्सटेंसेस हटाने के बाद IOCL उसे सिलेंडर में भर के सेल करती है। अगेन ये जो क्लीनिंग होती है एलपीजी की, वो क्लीनिंग कहाँ पे होती है, रिफाइनरी में। तो रिफाइनरी में IOCL के पास सबसे ज्यादा इंडिया में रिफाइनरीज हैं, जहाँ पे वो एलपीजी गैस को क्लीन करके और कमर्शियली सेल करती है। IOCL के बाद आता है BPCL। BPCL स्टैंड्स फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अगेन अ गवर्नमेंट कंपनी जो कि एलपीजी सेल करती है। एंड देन नेक्स्ट इज HPCL। HPCL इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑल दीज थ्री आर गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि एलपीजी सप्लाई करती है। बिकॉज प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज इसे बना नहीं सकती। प्राइवेट कंपनीज इसलिए नहीं बना सकती बिकॉज उनके बनाने की कॉस्ट विल बी अराउंड 1000 रुपीज, और इसे बेचना पड़ेगा 600 रुपीज में, और गवर्नमेंट से फिर सब्सिडी लेनी पड़ेगी, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो दैट्स वाई प्राइवेट कंपनीज इसमें हाथ नहीं डालती। ओके, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। इसको बोला जाता है रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना इज रिटेलिंग। तो रिटेलिंग करती हैं ये सभी कंपनीज, खुद की रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज में बनाती हैं एंड सेल आउट करती हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट एलपीजी। यू कैन नोट दिस